दोस्तों, कल हमने वेक्टर में जो है बेसिक जो है डिस्कशन किया था उसके फॉर्मूले कुछ वैल्यूज ए डॉट बी ए क्रॉस बी बारे में। आज हम लोग जो है वेक्टर में कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है वो द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर ए इज इक्वल टू 7i प्लस जे माइनस 4k ऑन द वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस 6j प्लस 3k। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, इसके बारे में कल मैंने बताया था। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में, वेक्टर ए ऑन बी के बारे में, ए का प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन होता है प्रक्षेप, वेक्टर ए का प्रक्षेप बी पर जिस पे कैलकुलेट करना होता है वो पार्ट नीचे रहता है मॉड बी और ऊपर क्या रहेगा ए डॉट बी, यानी ए का प्रक्षेप इस वेक्टर का प्रक्षेप इस वेक्टर पे, इसका मॉड नीचे रहेगा और इन दोनों का डॉट रहेगा। तो ए डॉट बी 7i प्लस जे माइनस 4k ये वेक्टर ए हो गया, डॉट वेक्टर बी 2i प्लस 6j प्लस 3k और अपन ने मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी 2i प्लस 6j प्लस 3k इसका मॉड चाहिए। प्रक्षेप ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ए ऑन बी पे मॉड ऑफ बी नीचे रहेगा ए डॉट ऊपर, ए डॉट बी ऊपर रहेगा। डॉट का प्रोडक्ट निकालने के लिए, डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आई आई का मल्टीप्लाई, जे जे का मल्टीप्लाई, के का मल्टीप्लाई, आई का मल्टीप्लाई 7 × 14 और जे का मल्टीप्लाई प्लस 6 और के का मल्टीप्लाई माइनस 4 × 12 अपान में इसका मॉड, मॉड निकालने के लिए रूट के अंदर आई के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस जे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 × 9 14 और 6 20 में 12 के 8 आएगा और 36 × 40 49 7 आएगा बाहर 108/7 ये इसका जो है प्रोजेक्शन। जिसने भी पहला बेसिक वीडियो ने देखा हो उस बेसिक वीडियो में ए डॉट बी और ए क्रॉस बी के बारे में पूरा समझाया गया आपको। सबसे पहले दोस्तों उस वीडियो को जो देखिए आप, और लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन हमने अभी उस बारे में लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन बताया और अलोंग दी वेक्टर बताया, तो दोनों ही पॉइंट आप ठीक से देखिएगा और इसको जो है नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वेक्टर में, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 7। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, हमें कोण फाइंड करना है ए और बी के बीच का। हमारे पास क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दे रखा है और हमें ए और बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो ए और बी को भी यहाँ पर छोड़ दीजिए, वेक्टर ए वेक्टर बी को छोड़ दीजिए आप, सी को ट्रांसफ़र करके दूसरी तरफ ले जाइए। अब आप इनका होल स्क्वायर कर दीजिए, आप दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, सी का हो जाएगा मॉड ऑफ सी स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, वेक्टर ए मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9 प्लस बी 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 2 ए डॉट बी का फॉर्मूला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, ये जो थीटा होगा वो ए और बी के बीच का होगा, ये जो थीटा होगा वो ए और बी के बीच का एंगल होगा और हमें यही थीटा फाइंड करना है। इज इक्वल टू मॉड ऑफ सी स्क्वायर मॉड ऑफ सी स्क्वायर, सी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कितना 49, 25 और 9 34 हो जाएगा और ये 34 जो है उस तरफ माइनस कर दीजिए, 34 उस तरफ माइनस कर दीजिए तो 49 में से 34 गया
49 में से 34 कम कर दीजिए, 5 आएगा, 15 आएगा। और 2 मॉड ऑफ ए की वैल्यू 3 है, मॉड ऑफ बी की वैल्यू 5 है, और कॉस थीटा, ये 5 या 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। ये 2 को डिवाइड कर दें यहाँ पर, ये वैल्यू आएगी कॉस थीटा की। 1/2 जो वैल्यू होती है कॉस में 60 डिग्री होती है, 1/2 कॉस में 60 होता है। और थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बटे 180 कर देंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 जो कट गया पाई बाई 3। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू देखा आपने कितनी आ गई, पाई बाई 3। अब इनमें क्या होता है क्वेश्चन में, आप यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके 2-3 स्टेप काट सकते हैं तो काट दीजिएगा, डायरेक्ट वैल्यू ला सकते हैं। एक्सप्लेनेशन के लिए पूरा ही क्वेश्चन नोट करिएगा, जो नोट करिए, इसके अधिक क्वेश्चन और इंटरेस्टेड जो है हमके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से बच्चों होता है इकाई सदिश, और इस वेक्टर में किसी वेक्टर का जो मॉड होता है वो होता है 1 होता है, यानी यूनिट वेक्टर आते ही, इकाई सदिश आते ही उसका मॉड जो है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ए और बी के बीच में एंगल जो थीटा दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन में हमें मॉड ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सीधा सीधा इसका होल स्क्वायर ही कैलकुलेट करनी है, इसका सीधा सीधा होल स्क्वायर आप लगा दीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, 2 वेक्टर a डॉट बी, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b एंड cos थीटा। क्वेश्चन में a एंड b ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, यूनिट हैं, यूनिट हैं, तो मॉड ऑफ a 1 होगा एंड मॉड ऑफ b भी क्या होगा, 1 होगा। इकाई सदिश हैं, यूनिट वेक्टर हैं, तो इनका मॉडुलस जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो मॉड ऑफ a 1 का स्क्वायर 1, मॉड ऑफ b 1 माइनस 2, 1 इंटू 1 कॉस थीटा, सिंप्लीफाई करें इसको, 1 1 कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस 2 कॉस थीटा। इसके बाद में यहाँ से जो है 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा 2, और ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हम लोगों ने वैल्यू किसकी कैलकुलेट की थी, a माइनस बी की होल स्क्वायर की। सो यहाँ से मॉड ऑफ a माइनस बी की वैल्यू आएगी, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो वैल्यू आएगी 4, 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2, 2 साइन थीटा बाई 2। सो आप देख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इसमें किस में आएगा, ये हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन है, इसका ये फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन लिया हमने जो है, ए बी सी ये तीन वेक्टर हैं, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब होता है ए परपेंडिकुलर बी, आपस में परपेंडिकुलर है, यानी आपस में तीनों 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे से 90 कोण बना रहे हैं, ए बी के साथ 90, बी सी के साथ 90 और सी ए के साथ 90 डिग्री कोण बना रही है। और डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि दो डॉट प्रोडक्ट यदि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड इज ए, इसका मैग्नीट्यूड ए है, मापांक यानी वेक्टर ए भी आप लिख सकते हैं ए, इसका भी वेक्टर बी लिख सकते हैं, इसको भी सॉरी ए, और इसको भी, इसका भी मॉड लिख सकते हैं ए। क्वेश्चन में तीनों ईच ऑफ मैग्नीट्यूड, तीनों का जो मापांक है क्वेश्चन में वो ए दे रखा है, देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी ए फाइंड करना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पे
ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी। अब ध्यान दीजिए, ए और बी के परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, बी सी के परपेंडिकुलर होगा तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, और सी ए के भी परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ज़ीरो होगा। तीनों आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी जो मॉड के लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर कर दें हम, तो यहाँ से निकलेगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस, फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है, फिर क्या होता है टू ए बी यानी ए डॉट बी होगा प्लस टू बी डॉट सी होगा प्लस टू सी डॉट ए होगा, ये तीनों फॉर्मल होते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं ए डॉट बी जीरो हो जाएगा, बी डॉट बी जीरो हो जाएगा और सी डॉट ए जीरो होगा, यानी टोटल इतना पार्ट जो है जीरो हो जाएगा क्योंकि ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। मॉड ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ए है, यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर, मॉड ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पर उसकी वैल्यू भी ए है तो इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर, सो बच्चों ये टोटल हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर। वैल्यू किसकी आ गई, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से रूट ले लीजिए आप तो मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका जो मॉड ले लीजिए आप क्या आएगा रूट थ्री ए आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी रूट थ्री ए। तो देखा आपने जो है यूनिट वेक्टर जो भी होते हैं उनका मापांक वन होता है, दोनों वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। नोट करिए यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी पाई बाई फोर पाई बाई टू पाई बाई थ्री एंड पाई बाई सिक्स। अब हमें ऐसे यहाँ से जो है ये हमारे पास कंडीशन दे रखी है और हमें ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है, सो इस कंडीशंस को ले लेते हैं ए प्लस बी का मॉड ए माइनस बी का मॉड, और आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें आप ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी। मॉड ऑफ ए स्क्वायर से मॉड ऑफ ए स्क्वायर कैंसिल, मॉड ऑफ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आप इसे उठा के इधर ले आइए फोर ए डॉट बी जो वैल्यू आएगी ज़ीरो आ जाएगी और ए डॉट बी की वैल्यू चार जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इस कंडीशन में ए और बी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट यदि जीरो आ रहा है तो वे वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और वहाँ पर जो इनके बीच में एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को यदि रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से कैंसिल होकर जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी पाई बाई टू आ जाएगी, सो इसका का करेक्ट आंसर आ जाएगा पाई बाई टू। छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो है डबल ए एस एस आर नेवी के लिए जो है एयरफोर्स आने वाले एग्जाम्स के लिए, सो हमेशा बेसिक क्वेश्चनों पे ही फोकस करिए, चैप्टर की थीम और डिटेल पे जरूर जाइएगा, चैप्टर में हर एक कॉन्सेप्ट मानना चाहिए, हर एक चैप्टर को आप ठीक से प्रिपेयर करेगा, बहुत बड़े लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप प्रिपेयर करेंगे आप सोचो एग्जाम्स में आ जाए तो पहले चैप्टर का बेसिक कंप्लीट करने के बाद तब वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं, इसलिए जो है एक बेसिक डिटेल को और कॉन्सेप्ट देखिए आप इनमें गौर करेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, मॉड क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में, जैसे आपको ये डॉट और क्रॉस के बारे में सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर था क्या कि दोनों का डॉट जीरो आ रहा, सो कंडीशन यदि आपको पता होगी कि डॉट जीरो तभी हो सकता है जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। नोट करिए इसको बच्चों, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर सच दैट
ए एंड बी इज यूनिट वेक्टर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। हमें ए और बी के बीच में कोण फाइंड करना है। ए को इन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर और बी को भी इन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर और ए प्लस बी को भी इन्होंने बोला है यूनिट वेक्टर बोला इन्होंने। तो ए को यूनिट वेक्टर बोला है तो इसका मॉड वन होगा, बी को भी बोला है यूनिट वेक्टर इसका मॉड वन होगा और ए प्लस बी को भी बोला है इसका भी मॉड कितना होगा, ए प्लस बी इसका मॉड कितना होगा। वन। कोई भी वेक्टर यदि यूनिट है तो उसका जो मॉडुलस होगा वो वन होगा। अब हम इसे लेकर चलते हैं फॉर्मूले में, मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी आया था सो लिख सकते हैं इसको टू ए डॉट बी को मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, थीटा जो एंगल होगा वो ए और बी के बीच का कोण होगा। ए प्लस बी की जो वैल्यू है वन है तो वन का स्क्वायर आएगा वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वन का स्क्वायर वन आएगा मॉड ऑफ बी वन का स्क्वायर वन आएगा प्लस टू वन इंटू वन कॉस थीटा। इस वन से वन कैंसिल हो जाएगा, ये वन इधर ट्रांसफर हो जाएगा इस तरफ तो माइनस वन आएगा इज इक्वल टू टू कॉस थीटा आएगा। यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस का वन बाई टू आएगी, माइनस वन बाई टू बच्चों कॉस में कितना होता है 120 होता है। थीटा कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा यहाँ से तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120। इसको रेडियन बदलेंगे तो पाई बटे 180 से डिवाइड कर देंगे और ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा सो इसका आंसर आएगा 2π/3। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2π/3। सवाल हमने जो है बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लिए हैं जो है। इसके बाद हम जो है अभी नेक्स्ट टाइम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। जो एक बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हमने, इफ़ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 5 मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू 6 देन ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी। सो एक फॉर्मूला लिखाया था लास्ट टाइम पे बेसिक में, ए क्रॉस बी का मॉड स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर। सो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पर जो है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू रखी है 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, मॉड ऑफ ए रखा 5 स्क्वायर कितना 25 इंटू मॉड ऑफ बी 2 स्क्वायर कितना 4। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को 100 और 100 में 36 कम हो जाएगा उस तरफ जाके तो आएगा 64। सो यहाँ से ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी मॉड के अंदर ये हटा लेंगे यहाँ से कितना आएगा 8। सो इसमें कौन सा आंसर आएगा, सेकेंड आंसर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा बच्चों इसमें ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। एग्जाम में यदि इसी क्वेश्चन बनता है तो फॉर्मूला यदि प्रिपेयर है तो आप इसी क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं।